हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का एक सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज अ पार्ट ऑफ इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर। लास्ट क्लास में इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर जब हमने देखा था तो हमने तीनों बेसिक कंपोनेंट्स, आईओ मॉड्यूल्स, प्रोसेसर और मेमोरी के इनपुट आउटपुट्स देखे थे और क्या क्या कनेक्शंस हर एक से होते हैं। ठीक है, अब जानते हैं कि इन कनेक्शंस को फुलफिल करने के लिए या इन तीनों डिवाइसेस को या कंपोनेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें जब रिक्वायरमेंट आती है बसेस यूज करने की, तो बस आखिर होती क्या है, व्हाट डज अ बस मीन इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, बस कनेक्शन पाथवे है। यानी जब मैं एक मॉड्यूल को या फिर एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट के साथ कनेक्ट करना चाहती हूं और उन दोनों कंपोनेंट्स को मैं मल्टीपल मतलब कनेक्शन पाथ से कनेक्ट करती हूँ या फिर मल्टीपल लाइंस के साथ कनेक्ट कर देती हूँ, जहां हर लाइन एक ट्रांसमिशन मीडियम है। बेसिकली मुझे दोनों कंपोनेंट्स को कनेक्ट ऐसे करना है कि दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाए। कम्युनिकेट करने के लिए मैं अंडरलाइन सर्किटरी कुछ होगी, मतलब कुछ सर्किटरी यूज करूंगी ताकि एक पाथ बना सकूं दोनों कंपोनेंट्स के बीच में। और ये पाथ कुछ नहीं होता, इसमें मल्टीपल लाइंस होती हैं, हर लाइन में सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं, सिग्नल्स जीरो या वन हो सकते हैं। और ये लाइंस क्योंकि पैरेलली लेड आउट होती है, मतलब अगर मेमोरी से स्टार्ट होती हुई प्रोसेसर तक 16 पैरेलल लाइंस मैं ड्रॉ कर दूं, तो आप इसे ऐसे ही इमेजिन कर सकते हो कि 16 बिट्स एक साथ ट्रैवल करेंगी। और ये 16 बिट्स या तो डेटा रिप्रेजेंट कर सकती हैं या एड्रेस रिप्रेजेंट कर सकती हैं, जो भी या जिस भी तरह की कम्युनिकेशन हो रही है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर में बस सुनो, तो आपको क्या इमेजिन करना है, आपको ये एक कनेक्शन, मल्टीपल कनेक्टिंग लाइंस इमेजिन करनी है जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। और ये सिग्नल्स या फिर ये सिग्नल्स कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं, एज बाइनरी जीरोज एंड वंस। ठीक है, तो अब थोड़ा फॉर्मली लिख लेते हैं कि बस क्या होती है, बस स्ट्रक्चर क्या होता है, सिस्टम बस क्या कहते हैं और क्या मेजर तीन तरह की बसेस होती है विद इन द कंप्यूटर सिस्टम। सो दैट इज ऑल व्हाट वी विल बी कवरिंग इन दिस लेक्चर। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ताकि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बस डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, बस इज नथिंग बट अ कम्युनिकेशन पाथवे कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस। सो इट इज अ कम्युनिकेशन पाथवे, पाथ है जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सकती है। पाथवे से मतलब है ट्रांसमिशन मीडिया भी आप इसे कह सकते हैं किसी तरह से। कनेक्टिंग मल्टीपल डिवाइसेस, ऑल राइट। इसके बाद ये पॉइंट जानना जरूरी है आपके लिए कि ये कम्युनिकेशन मीडिया या फिर ये पाथवे एक शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम होता है। शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम मतलब अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं सेम पाथ से, तो अगर एक डिवाइस कुछ ट्रांसमिट करेगी तो बाकी सारी डिवाइसेस उसे रिसीव करेंगी। सो अगर आप कुछ ऐसे इमेजिन करते हैं, से आपके पास एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है। अभी सिंपल सा स्ट्रक्चर लेते हैं जिसमें एक बस है और एक बस के विद इन सपोज तीन लाइंस हैं। ठीक है, तीन कनेक्शन पाथवे हैं और ये ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो बेसिकली अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए ने कुछ ट्रांसमिट किया इन तीनों लाइंस पे, तो वो तीनों सिग्नल बी को भी मिलेंगे, सी को भी मिलेंगे। और जब कोई और डिवाइस ट्रांसमिट करेगी ऐसे ही, चाहे वो सी ट्रांसमिट कर रहा हो, अगेन ए और बी दोनों को मिलेंगे। सो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक ध्यान में रखनी है दैट दिस बस और दिस पाथवे इट इज अ शेयर्ड कनेक्शन और इट इज अ शेयर्ड ट्रांसमिशन मीडियम। यू कैन से ट्रांसमिशन मीडियम क्योंकि इसमें हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। ऑलराइट,
इसके बाद इम्पोर्टेंट फीचर जो होता है बस का या बस स्ट्रक्चर का, वो है कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस साथ में ट्रांसमिट करेंगी तो डेटा गार्बल हो जाएगा. सो पहले तो ये लिखते हैं कि अगर मल्टीपल डिवाइसेस, मतलब सारी डिवाइसेस में से कुछ भी, कोई भी डिवाइस ट्रांसमिट करती है डेटा या इन्फॉर्मेशन तो सबको मिलेगी. सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट. सी आई एम राइटिंग दिस पॉइंट्स ताकि अगर आपको एग्जाम थ्योरी पेपर में, जो स्टूडेंट्स थ्योरी पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, उसमें बस या बस स्ट्रक्चर या फिर सिस्टम बस एक्सप्लेन करने को आए और उसके फीचर्स लिखने को आए, सो यू हैव समथिंग टू राइट. ठीक है. सो मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट टू द बस. ऐसा नहीं है कि एक बस सिर्फ दो डिवाइसेस को कनेक्ट करेगी एक टाइम पे, नहीं. मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड एंड एनी सिग्नल दैट इज ट्रांसमिटेड बाय एनी डिवाइस इज सेंट टू ऑल या फिर इट इज रिसीव्ड बाय ऑल. सो एनी सिग्नल ट्रांसमिटेड बाय एनी वन डिवाइस is received by all devices that are connected to the bus. ठीक है. No confusion, by all devices that are connected to the bus. Alright. इसके बाद जो signal garbling की मैंने आपको बात करी थी, वो point बहुत important है. बस स्ट्रक्चर हालांकि बहुत सारी डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है, लेकिन एक मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन होना जरूरी है, जो हम डिटेल में अपकमिंग लेक्चर में भी पढ़ेंगे. कि मेथड ऑफ आर्बिट्रेशन से मेरा मतलब है कि कोई कंट्रोल मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे ये डिसाइड हो सके कि कौन सी डिवाइस इस टाइम पे किस डिवाइस को ट्रांसफर करेगी डेटा. क्योंकि अगर मल्टीपल सिग्नल्स एक साथ ट्रैवल करेंगे सेम पाथवे पे, तो डेफिनेटली गार्बल हो जाएंगे. गार्बल हो जाएंगे यानी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सो इट्स बेसिकली लाइक कि आपके पास एक पतली सी सड़क है वॉक करने के लिए और दो सिग्नल्स उस पे एक ही पर्सन एक बार में वॉक कर सकता है. तो अगर दो लोग दो अलग डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं तो दोनों की आपस में टक्कर हो सकती है. आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ए से किसी भी बंदे ने स्टार्ट किया ट्रैवल करना, वो इधर जा रहा है, सी से सेम टाइम पे ट्रैवल करा स्टार्ट किया किसी और दूसरे पर्सन ने, तो दोनों जब एक पॉइंट पे आके मिलेंगे दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे. या फिर ए ट्रांसमिट कर रहा था उसी टाइम पे जब ए का सिग्नल यहां पे पहुंचा, बी का सिग्नल बी ने ट्रांसमिट करना स्टार्ट किया, अगेन बोथ द सिग्नल्स विल बी गार्बल्ड. तो ये पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, दैट ओनली अ सिंगल ट्रांसमिशन इज पॉसिबल. ट्रांसमिशन इज पॉसिबल एट अ पर्टिकुलर टाइम. At a time. This is the most generic way of explaining you this architecture. मतलब ये generally यही architecture follow किया जाता है कि एक बार में एक ही signal transmit होगा, multiple signals are garbled or destroyed when present in the bus, yeah, when present on the bus at the same time. ठीक है. इसके बाद next चीज या next feature जो आपको important, जो आप इम्पॉर्टेंट है ध्यान में रखने के लिए बस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो ये है कि किसी भी बस में मल्टीपल ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं जिन्हें हम लाइंस कहते हैं, और हर लाइन सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है जीरो और वन. ये मैंने पॉइंट आपको स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में भी बताया था. सो अ बस कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कनेक्शंस. अ बस हैज multiple paths in it, each
इज नोन एज अ लाइन. ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक बस में 8 लाइन्स हैं, सो मतलब 8 कम्युनिकेशन पाथवेज हैं. ऑलराइट, सो अ बस हैज मल्टीपल कम्युनिकेशन पाथ्स इन इट, ईच इज कॉल्ड अ लाइन. एंड व्हाट डज दीज लाइन्स डू? दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन और दे ट्रांसमिट सिग्नल्स दैट आइदर रिप्रेजेंट बाइनरी 0 और बाइनरी 1. ठीक है, दे ट्रांसमिट और दे आर यूज, दीज लाइन्स डू नॉट ट्रांसमिट, दे आर यूज टू कैरी सिग्नल्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स एंड दीज सिग्नल्स आर आइदर बाइनरी 0. They represent binary 0 or binary 1. ठीक है, इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है कि अगर एक बस में मल्टीपल लाइन्स हैं और उन सब पे डेटा ट्रैवल कर रहा है तो वो डेटा पैरेलली ट्रैवल करेगा, यानी मल्टीपल लाइन्स ट्रांसमिट सिग्नल्स पैरेलली. सी, जब मैंने यहां पे बात करी थी कि एक टाइम पे एक ही डिवाइस सेंड कर सकती है डेटा, इसका मतलब था कि अगर बस में 8 लाइंस हैं तो एक ही डिवाइस उन 8 लाइंस को यूज करते हुए डेटा ट्रांसमिट करेगी. ऐसा कभी नहीं होगा कि कोई एक डिवाइस जो बस से कनेक्टेड है वो बस की विड्थ से कम लाइंस को यूज करते हुए डेटा ट्रांसमिट कर रही है या इन्फॉर्मेशन या सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रही है. अगर कोई डिवाइस बस से कनेक्टेड है तो वो बस में प्रेजेंट सारी लाइंस को एट अ टाइम यूज करेगी, उतनी ही लेंथ का डेटा ट्रांसमिट करेगी. मतलब दैट इज द मोस्ट जेनरिक केस. कई इंस्ट्रक्शंस ऐसी होती हैं जो से हाफ वर्ड ट्रांसमिट कराती हैं या मेमोरी में हाफ वर्ड राइट कराती हैं या रीड करती हैं. उस केस में ये पॉसिबल हो सकता है कि एक सेट ऑफ सबसेट ऑफ लाइंस ही यूज हो रही हो, लेकिन तब भी अगर एक कोई पर्टिकुलर डिवाइस से ए चाहे वो कंप्लीट सेट या एक सबसेट ऑफ लाइंस यूज कर रही हो, उस टाइम पे सिर्फ ए ही यूज कर सकती है इस बस को. किसी और कोई और डिवाइस को हम नहीं अलाउ कर सकते रिमेनिंग लाइंस यूज करना जो कि ए यूज नहीं कर रही या फिर जो अनयूज्ड है इन केस ए ने एक सबसेट ऑफ लाइंस पे ही डेटा ट्रांसफर या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर किया है. ठीक है, सो चाहे कोई भी डिवाइस कितनी भी लाइंस यूज करे, विच जनरली इट यूजेस ऑल द लाइंस प्रेजेंट इन द बस, लेकिन तब भी अगर कुछ अनयूज्ड लाइंस है तो कोई और डिवाइस भी उस टाइम पे डेटा ट्रांसमिट नहीं करेगी. लेकिन अगर सारी लाइंस यूज हो रही हैं तो डेटा पैरेलली ट्रांसमिट किया जाएगा, यानी 8 लाइंस है तो 8 बिट्स एक बार में ट्रैवल करेंगी. सो अगर आपको सपोज आपके पास एक वर्ड है 10101111, ठीक है, सो दिस इज एन 8 बिट वर्ड और आपके पास 8 पैरेलल लाइंस हैं, तो आप कैसे ट्रांसमिट करोगे? वन फर्स्ट लाइन पे हाई सिग्नल डिनोट्स बाइनरी 1, देन 0 यानी लो सिग्नल, देन 1, देन 0, देन 1111. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट इन दिस डायरेक्शन एंड गो अपवर्ड्स. वो डिपेंड करता है कैसे ऑर्गेनाइज हैं ये लाइंस. बेसिक आर्किटेक्चर ये है कि सारी डिजिट्स एक साथ ट्रैवल करेंगी और एक बार में हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास n लाइंस हैं तो n बिट नंबर या n बिट डेटा हमने ट्रांसमिट करा है. और यहां पे डेटा से मतलब है n बिट इंफॉर्मेशन, चाहे वो डेटा हो या एड्रेस हो. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू मस्ट नोट इज मल्टीपल लाइंस. Transmit their signals parallelly. I hope the spelling is right. Okay. So, ये थे major features of a bus या फिर एक bus क्या होती है और उसके क्या क्या properties होती हैं. So, इसके बाद देखते हैं
पर्टिकुलर एग्जाम्पल की सिस्टम बस क्या होती है। जनरली अब हम जब बात करेंगे इसके फर्दर लेक्चर्स में तो हम सिस्टम बस को ही रेफर कर रहे होंगे, तो जानते हैं कि एक्चुअली सिस्टम बस क्या है। सिस्टम बस वो बस है या वो कनेक्शन या सेट ऑफ लाइंस है, सेट ऑफ कम्युनिकेशन पाथवेज है, जो कि मेजर बेसिक कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम कनेक्ट करती है। बेसिक कंपोनेंट्स कौन से थे? सीपीयू, प्रोसेसर और सीपीयू, मेमोरी और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। तो इन तीनों को कनेक्ट करने वाली बस को हम सिस्टम बस कहते हैं, क्योंकि सिस्टम के सारे कंपोनेंट्स तो उसने कनेक्ट कर ही दिए। बाकी अगर किसी एक्सटेंशन बस की जरूरत है तो वो एक्सपेंशन बस की जरूरत है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन बस का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे। अभी के लिए सिस्टम बस की एक छोटी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि इट इज द बस दैट कनेक्ट्स द मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सो नॉट रियली डेफिनेशन बट स्टिल इट इज the bus that connects the three major components of the system, and these are CPU, IO modules and memory. Okay. अब सिस्टम बस के बारे में एक दो चीजें देख लेते हैं। सिस्टम बस में भी अगेन मल्टीपल लाइंस होगी, इनफैक्ट हंड्रेड्स ऑफ लाइंस होती हैं, क्योंकि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और सिस्टम बस में मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं। मल्टीपल कंपोनेंट्स का क्या मतलब है कि सो अगर मेरे पास सिस्टम बस है, सिस्टम बस में जो लाइंस होती है हर लाइन को सब कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, या तो वो कंट्रोल लाइन होगी, कंट्रोल लाइंस, या फिर वो डेटा लाइंस होंगी, या फिर वो एड्रेस लाइंस होगी। ठीक है, अब ये तीनों लाइंस मिला के सब बसेस बनाते हैं या सब कंपोनेंट्स बनाते हैं सिस्टम बस का। सो सिस्टम बस में मल्टीपल लाइंस होती हैं। अगर सपोज सिस्टम बस में 30 लाइंस हैं और फर्स्ट 10 लाइंस को हमने एज कंट्रोल लाइंस डेजिग्नेट कर दिया, तो उन कंट्रोल लाइंस के सेट को मिला के हमें क्या मिलेगा? एक कंट्रोल बस मिलेगी, जो कि एक सब बस है या फिर सब कंपोनेंट है सिस्टम बस का। ठीक है, ऐसे ही अगर फर्स्ट 10 लाइंस को कंट्रोल लाइंस डेजिग्नेट किया, नेक्स्ट 10 लाइंस को हम डेटा लाइंस डेटा लाइंस की तरह कनेक्ट करें या फिर बोलें कि या डेजिग्नेट करें कि नेक्स्ट 10 लाइंस डेटा लाइंस है, तो वो डेटा बस बनाएगी सिस्टम बस का एक दूसरा कंपोनेंट, दूसरा सब कंपोनेंट। और लास्ट रिमेनिंग 10 लाइंस को अगर हम एड्रेस बस के एड्रेस लाइंस की तरह डेजिग्नेट करते हैं तो ये एड्रेस बस बनाती है। तो सिस्टम के मेजर कंपोनेंट्स इन तीन सब बसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं, या इस पूरी सिस्टम बस कनेक्ट करती है सिस्टम को। इसके अलावा कुछ पावर सप्लाई लाइंस भी होती हैं, मतलब कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जो पावर सप्लाई करते हैं इन सारे मॉड्यूल्स को, ताकि ये बेसिकली स्टार्ट हो सके, वर्क कर सके, विच इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हर लाइन, चाहे वो कोई भी बस हो, अभी इस केस में सिस्टम बस में हर लाइन की एक फंक्शनैलिटी डेजिग्नेटेड होती है, और वो फंक्शनैलिटी या तो कंट्रोल फंक्शंस परफॉर्म करने की हो जाएगी, या डेटा ट्रांसमिट करने की हो जाएगी, या एड्रेस ट्रांसमिट करने की हो जाएगी। तो मैंने एक डायग्राम बनाया है ताकि आप ये कॉन्सेप्ट समझ सकें। ये डिफरेंट कॉम्पोनेंट है सिस्टम के, मेमोरी, आईओ और सीपीयू, और यहाँ पे मल्टीपल मेमोरी है या मल्टीपल आईओ डिवाइसेस है, विच इज ऑब्वियसली पॉसिबल, क्योंकि मल्टीपल आईओ मॉड्यूल्स हो सकते हैं और मेमोरी की मल्टीपल चिप्स हो सकती है। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, और इन बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाली सिस्टम बस। सो लेट्स राइट डाउन दिस फर्स्ट। सो इन बेसिक कंप्यूटर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने वाली सिस्टम बस मैंने ड्रॉ करी है यहाँ पे। इसमें जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया, तीन मेजर कैटेगरीज है। ये कंप्लीट
lines, set of lines, including data lines, including address lines, and including control lines will give you a complete system bus. लेकिन अगर मैं इन्हें categorize करूं तो कुछ control lines हैं जो सारे components से connected है, कुछ address lines हैं और कुछ data lines हैं. इन तीनों buses को हम detail में upcoming lecture में पढ़ेंगे. तो इनके functions क्या होते हैं, क्यों connections required है, ये भी आगे देखेंगे. आज के लेक्चर को मैं यहीं वाइंड अप करती हूँ ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर के लिए एक अंडरस्टैंडिंग गैदर कर सके इस लेक्चर से. आपको अगर ये लेक्चर समझ आया हो तो प्लीज मेंशन करना मत भूलिए कमेंट्स में कि आपको क्या अच्छा लगा इस लेक्चर में. हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको अपकमिंग लेक्चर्स की नोटिफिकेशन जरूर मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड. गुड लक.